हरे ओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ी भविष्यवाणी। बड़ी भविष्यवाणी क्यों? प्रिय दर्शकों, ये जो समय है 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का, इसमें जितने भी परिवर्तन है सभी के विषय में हम एक साथ चर्चा करने वाले हैं। पूरा ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन देखते हैं तो उसका प्रभाव समझने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है और उसी समय कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे और इसके बाद फिर हम फल समझेंगे, क्या हमें फल मिलेगा, और फिर हम उपाय समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है अपनी नीच की राशि तुला राशि पर। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का 2.25 दिन में परिवर्तन होता ही रहता है, और मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि पर। ये नीच की राशि है कर्क राशि मंगल की, 20 अक्टूबर को होने जा रहा परिवर्तन। बुध 10 अक्टूबर को अपना परिवर्तन करेंगे अपनी राशि छोड़ के, अपनी उच्च की राशि छोड़ के, और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि अभी तक कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, अब तुला राशि में 10 अक्टूबर से ही गोचर करना प्रारंभ करेंगे, परंतु ये अष्ट अवस्था में होंगे और 20 अक्टूबर को बुध उदय हो जाएंगे और पुनः 29 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर। इसके बाद देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं, वृषभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, और वृषभ राशि पर गोचर करते हुए वक्री होने का मतलब यह है कि ये मेष राशि का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये 12 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है, और शनि देव कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और राहु मीन पर और केतु कन्या पर, तो ये जो गोचर काल है इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इससे कुछ योग संयोग, तो मूल रूप से बुधादित्य योग बनने जा रहा है, परंतु बुधादित्य योग का फल हमें कहना चाहिए कि ना के बराबर मिलने वाला है। जो कि कोई भी योग बनता है तो उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है, परंतु कम और ज्यादा, तो बुधादित्य योग का प्रभाव बहुत कम मिलने वाला है। उस जानते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि सूर्य अपनी नीच राशि में होंगे, सूर्य और बुध मिलकर बनाएंगे बुधादित्य योग, तो जब योग कमजोर होता है तो उसमें फल मिलने में समस्याएं होती हैं, यानी कि कम फल मिलता है। इसके अलावा देखा जाए कि जैसे आपने देखा कि वृश्चिक राशि में बुध भी गोचर करेंगे और शुक्र भी गोचर करेंगे, परंतु ये 29 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तब तक तो महीना निकल चुका होगा, 31 तारीख तक ही है, परंतु इसका हम फल समझेंगे कि एक साथ क्या हमें मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, कर्क बालों के लिए यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इस समय जो मंगल का परिवर्तन है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खासकर 20 अक्टूबर तक तो ठीक है, 20 अक्टूबर तक कोई खास समस्या नहीं है। बाकी आप ये जानते हैं कि चंद्रमा अधिपति बनते हैं आपके लग्न के, आपके राशि के, खासकर लग्न के, इसलिए आपको स्वास्थ्य को लेके कई बार उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावनाएं कि रक्तचाप की समस्या या रक्त से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, या बहुत अधिक फीवर हो जाना, और इस समय मानसिक तनाव भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने कामों को बिल्कुल शेड्यूल करके रखें, जिससे समस्याओं से बच सकें। इस समय आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अपमान होने की स्थिति बन सकती है, और कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि
कि बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि इस समय निर्णय आप जो लेंगे उसमें कई बार गलतियां हो सकती हैं, जल्दबाजी में आप निर्णय ले सकते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय बहुत सावधान रहिए। विपरीत का पूरा सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में भी बाधाएं होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। आपस में अधिक क्रोध करने की वजह से अधिक मतलब शंका हो गई, क्रोध हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर लड़ाई झगड़े बाद ज्ञात हो जाते हैं, इसलिए बहुत सावधान हो जाइए। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप प्रयास करते रहिए, जो कि एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जो है तो सहयोग करेंगे, परंतु फिर भी व्यापारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उतार चढ़ाव होने की संभावना, और ये बात जो मैंने अभी कही कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, तो व्यापारियों को और भी ज़्यादा इस विषय में, अब समझिए कोई नौकरी कर रहा हो तो उसके लिए तो चलो निश्चित है कि ऐसा करना है ऐसा करना है, पर व्यापारियों को हर दिन नए नए लोग आते हैं, उनको बात करना है, सब चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए व्यापारियों को और भी ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। देखिए, कभी भी कोई ग्रह किसी का नुकसान नहीं करते, हमारे कर्मों का ही हमें फल मिल रहा होता है, हर ग्रह का अपना अपना आधिपत्य है, उससे संबंधित वो फल दे रहे होते हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे कर्म करें तो हमें अच्छे फल ही मिलेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए स्थितियाँ कहीं ना कहीं सामान्य रहेंगी, बहुत कोई समस्या नहीं है, परंतु थोड़ा सा आवश्यकता है धैर्य रखने की, थोड़ा सा आवश्यकता है अपने मन को स्थिर बनाने की। तो स्टूडेंट के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। लव पार्टनर के लिए स्थितियां ठीक है, यहाँ पर लव पार्टनर की स्थितियां पहले से जो समस्याएं थी वो दूर हो सकती हैं, परंतु ये मूल बात जो मैंने कही थी उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। और आप अपने जीवन में कोशिश करिए कि जितना हो सके तो स्वयं निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, फिर आगे काम करिए। किसी के कहने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, किसी के कहने के चक्कर में पड़ेंगे तो फंसेंगे। और देखा जाए तो जो लोग दाम्पत्य हैं तो उनके लिए मैंने बता ही दिया, और जो लोग जॉब करते हैं किसी प्रोफेशन में हैं उन लोगों को भी इस समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इस समय क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के अधिपति मंगल ही बनते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है आपको भी सावधान रहने की। यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो यहाँ पर भले जॉब कर रहे हों ठीक है, उसमें निश्चित है, परंतु फिर कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाना, उसकी वजह से कई बार जो है तो जॉब में समस्या हो जाना है ना, तो इसलिए आपको यदि आप जॉब कर रहे हों चाहे व्यापार कर रहे हों बहुत आवश्यकता है सावधानी की, क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो अब क्योंकि मंगल जैसा ग्रह यदि समस्या में आ जाए तो फिर, क्योंकि मंगल के पास कई दृष्टियां हैं, जैसे सूर्य के पास एक ही दृष्टि है पर मंगल के पास तीन तीन दृष्टियां हैं, दो भावों के अधिपति हैं और बैठे हैं, तो फिर दृष्टि भी, तो ये देखा जाए तो आधा पूरा समझिए कि 12 भाव हैं, तो 6 भावों को मंगल प्रभावित कर देंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। और फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सूर्य की स्थिति, तो सूर्य खुद इस समय पीड़ित रहेंगे, तो कहना चाहिए कि जहां 16 तारीख तक स्थितियां बढ़िया हैं, 16 तारीख तक कोई खास समस्या नहीं है, परंतु 16 तारीख के बाद आपको सावधान होना चाहिए, और जो भी काम हो तो पहले ही कर लीजिए। अब ऐसा कुछ काम होता है कि भाई उसी समय करना है तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, परंतु जो काम पहले हम कर सकते हैं उन्हें करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो महीना है अक्टूबर का महीना, तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगह लाभ भी जैसे मैंने बताया कि मिल रहा है, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये होगी कि एक तो शनिदेव का प्रभाव, भैया का प्रभाव, और फिर इस समय कई ग्रह जो है तो पीड़ित है, तो आपको आवश्यकता होगी कर्म करने की, डरने की नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रह डराता नहीं है और ना हमें कभी डरना चाहिए। हमें अब समझिए कि यदि समय अच्छा है तो और भी ज़्यादा कर्म करिए जिससे ज़्यादा ज़्यादा लाभ उठा सके, समय खराब है
तब भी और ज्यादा कर्म करिए, क्योंकि समय खराब है तो अच्छा आपको चाहिए तो कर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो मूल मंत्र यही होगा कि कर्म करना अति आवश्यक है जीवन में। अब आइए हम उपाय की बात करते हैं। तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और दूसरी बात हनुमान जी की आराधना करिए, यही सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण का करिए, राम नाम का जप करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, है ना, जितनी सेवा कर सकते हैं। भगवान की सेवा से ही कल्याण होना है। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, और इसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि जो ये प्रभाव आपने अभी सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है, तो मात्र गोचर के आधार पे हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आधा प्रभाव आपके गोचर का और आधा प्रभाव आपके जन्म कुंडली का, इसलिए दोनों को समझने की आवश्यकता है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।